हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बेस्ट रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ढोकला। तो ढोकला सभी को खाने बहुत पसंद पड़ते हैं, बच्चे सबके बहुत अच्छे लगते हैं ढोकला। तो आज हम ढोकला बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल ईजी तरीके से हम बनाएंगे आज ढोकला। और खाने में बहुत स्पॉन्जी बहुत स्पॉन्जी लगते हैं खाने में। तो ढोकला आज हम बनाएंगे और देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही सुंदर लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली है एक कटोरी, और एक कटोरी हमने बेसन ले लिए हैं। तो बेसन लगभग हम 200 ग्राम के करीब में बेसन है। तो हमने इसमें नमक डाल दिए हैं और थोड़ा सा हमने चीनी डाल दी और थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दी। तो आधा चम्मच से बहुत कम हमने हल्दी डाले हैं। चीनी, नमक, हल्दी डाल के इसका अच्छे तरह से घोल बना लेंगे। इसका अच्छे तरह से घोल बना के थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे एक बार। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका अच्छे तरह से बैटर बना के तैयार कर लेंगे। तो बैटर मेरा ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो न ज़्यादा पतला हो। तो अच्छा तरह से इसका हम घोल बना लेते हैं। और इसमें हम नीनो डालेंगे और आधा नींबू। तो हमने आधा नींबू और इनो डाल के बनाएंगे, बहुत स्पंजी बनेगा आपका ढोकला। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि बेटर मेरा गाढ़ा लग रहा है। तो थोड़ा सा पानी और हम डालें। तो यहीं पर हमने आधा नींबू निचोड़ दिए हैं, आधा हम नींबू निचोड़ रहे हैं कि थोड़ा सा खट्टा मीठा का स्वाद आ जाए और अच्छा फ्लेवर आ जाए, इसलिए हम आधा नींबू निचोड़ दिए हैं। और इसमें हम आधा नींबू का रस डाल दिया। अब इसमें हम इनो डालेंगे। तो इनो हमने हरा वाला लिए हैं, आप कोई भी वाला भी ले सकते हैं। तो हमने हरा वाला लिए हैं। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और पानी डाल के अच्छे तरह से इसको हम फिर इसको बैटर को मिक्स करेंगे। तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा थिक, ज़्यादा गाढ़ा नहीं भी हो और ना ज़्यादा पतला हो। तो ऐसा बैटर बनाएंगे जो अच्छे तरह से ढोकला आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरह से हमने फेंट लिए, मिक्स कर लिए हैं। देख सकते कितना सही फ्लॉपी हो गया है, फूल गया है। तो यहाँ पर हमने एक केक टिन ले लिए। तो आपके पास जो भी हो, कोई टिफिन वगैरह या कटोरी है तो उसमें भी बना सकते, आसानी से बन जाएगा। तो मेरे पास केक टिन है तो इसमें हम बनाएंगे। तो थोड़ी सी तेल डाल के हमने इसको अच्छे तरह से ग्रीस कर लिए और इसमें हम बैटर को डालेंगे। तो हमने चरखुट वाला लिए हैं। तो इसमें हम अब इसको सारा बेसन का जो बैटर है सब इसको हम डाल देंगे, सारे अच्छे तरह से डाल देंगे। आपको जितना बनाने का मन करे उतना बना के खा सकते हैं। तो हमने थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाया है, 150 से 200 ग्राम करीब में हम बेसन लिए थे। तो अच्छे तरह से इसको थपथपा के इसको चारे बगल हम सेट कर लेंगे। तो अच्छे तरह से हमने सेट कर लिए हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा सेट हुआ। इधर हमने कढ़ाई चढ़ाए हुए थे और इसमें पानी डाले हुए हैं। तो पानी मेरा अच्छे तरह से गर्म हो गया है। तो एक स्टैंड ले लिए थे, स्टैंड पर हम उसको रख दिए। स्टैंड पर हमने रख दिए हैं बैटर को। इसको हम 10 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं। तो देख रहे 10 मिनट के बाद मेरा बनके रेडी हो गया है। तो आप कोई चाकू या कुछ भी से अब इसको ठीक करके देख सकते हैं। आपका क्लीन जो लगेगा तो समझिए कि आपका पक गया ढोकला। तो ढोकला मेरा अच्छे तरह से पक गया है। तो इसको हम अब गैस पर से उतार लेते हैं। तो गैस पर से हमने उतार लिए, 10 मिनट मेरा हो चुका है ढोकला। तो ठंडा हो गया है, 10 मिनट के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे हम चाकू से चारों बगल साइड करके इसको अच्छे तरह से हम इसको चाकू से किनारा को धीरे धीरे हम करके निकाल लेंगे। अब इसको हम प्लेट में पलट लेंगे। तो अच्छे तरह से को प्लेट में पलट लिए, धीरे धीरे थपथपाना है, अपने आप इस चारों साइड से आपका ढोकला अच्छे तरह से निकल जाएगा। जब मन कर तब हम बना के खा सकते हैं। तो देख लीजिए कितना अच्छा स्पॉन्जी बन के मेरा तैयार हो गया है। आप ज़्यादा भी बेसन के बना सकते हैं, हमने थोड़ी सी बेसन के बनाई है। तो ज़्यादा मोटा लेयर नहीं हुआ है पर स्पॉन्जी हो गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा बन के रेडी हो। इसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे। तो इसको हम
चाकू की मदद से कट कर ले। तो आपको जो साइज का पीसेस चाहिए आप कट कर कर सकते हैं। तो मोटी मोटी ही कट करेंगे पीस को, तो हमने मोटे मोटे ही कट कर लिए हैं। अब इस साइड से हम इसको पीसेस को कट कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम तड़का लगाएंगे। देखिए कितना अच्छा कट रहा है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आ रहा, इतना अच्छा मेरा ढोकला बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। तो इधर हमने पैन चढ़ा दिया, इधर हम पैन में एक चम्मच के करीब में तेल डाल दिए, आधी चम्मच हम इसमें सरसों डाल देंगे और दो हरी मिर्च हमने काट लिए थे उसको डाल दे रहे हैं, और आप थोड़ा सा धनिया का पत्ता हम डाल दिया, आपको पास करी पत्ता है तो करी पत्ता डाल दीजिए, हम धनिया का पत्ता ही डाले हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा हमने पानी डाल दिए हैं। अब इसमें हम ढोकले के ऊपर में तड़का लगाएंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही ढोकले के ऊपर हमने तड़का में लगा रहे हैं। ये कितना अच्छा मेरा बन के रेडी हो गया। तो धीरे धीरे इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसको हम लगा देंगे। तो अच्छे तरह से इसमें सारे ढोकला में जो तड़का का जो अथी है ग्रेवी अच्छे तरह से इसमें रस लग जाए, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो हमने सारे इसको अच्छे तरह से तड़का लगा दिए। अब हम आपको निकाल के दिखा दें, देखिए कितना अच्छा स्पंजी मेरा बना है, देख लीजिए बहुत सॉफ्ट बहुत स्पंजी बन के रेडी हो गया है। तो कैसा लगा मेरा ये रेसिपी, इसी तरह से बनाइए और खाइए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी मेरे तरीक़े से। आपको कैसा लगा, इतना अच्छा बन के स्पंजी रस ढोकला बन के तैयार हो गया, बनाना भी बहुत इजी और आसान है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से, देख रहे कितना मस्त लग रहा है देखने में, खाने में उतना ही स्पंजी लगेगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, बाय।